नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे फल और सब्जियां जिनको आपको बिना छीले अगर खाएंगे तो उनके फायदे आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सब्जियों में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं और इनका सेवन करने से हमारी सेहत को काफी फायदा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ सब्जियों का सेवन छिलका सहित करने से ज्यादा फायदा होता है? लेकिन हम में से अधिकांश लोग स्वाद के लिए सब्जियों का छिलका हटा देते हैं। दरअसल इन छिलकों को निकालने से कई पोषक तत्व भी चले जाते हैं। इसलिए हम आपको उन 5 सब्जियों के बारे में आज बताने जा रहे हैं जिसका सेवन छिलका सहित आपको करना चाहिए अगर आपको इसके सारे पोषक तत्व अपने शरीर में चाहिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चुकंदर में ढेर औषधीय और सेहत वर्धक गुण मौजूद होते हैं। चुकंदर को कच्चा सूप, सलाद और स्मूदी के रूप में खा सकते हैं आप लोग। फाइबर, विटामिन B9, पोटेशियम, आयरन और विटामिन सी चुकंदर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, चुकंदर ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर में सुधार करने में मदद करता है। वहीं चुकंदर का छिलका भी कम सेहतमंद नहीं है। इसकी ऊपरी परत को उतारने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं होती है। इसे साफ करने के लिए आपको चुकंदर को अच्छे से रगड़ें और पानी में धो लें और उसके बाद आप इसका सेवन बिना इसे छीले कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं गाजर की विभिन्न परतों में बीटा कैरोटीन, फाइबर, विटामिन के, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे आवश्यक पोषक तत्व आपको प्रचुर मात्रा में मिल सकते हैं। जहां इसका सेवन वजन घटाने में मदद करता है, वहीं कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी ये काफी प्रभावी है। अगर इसकी ऊपरी परत यानी छिलके को छील लेते हैं तो इस सब्जी के सबसे रेशेदार और पोषक तत्व को आप खो देंगे। तो दोस्तों, गाजर को भी आपको बिना छीले खाना चाहिए। दोस्तों, वहीं खीरे का छिलका और इसके बीज सबसे पोषक होते हैं, काफी ज्यादा ये पौष्टिक होते हैं। दोस्तों, खीरे में आपको एंटीऑक्सीडेंट, कई रोगों से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण एंजाइम खीरे के छिलके में खूब पाया जाता है। खीरे के अधिकांश पोषक तत्वों को पाना चाहते हैं तो इसे अच्छी तरह से धोकर बिना छीले सेवन करें। अध्ययनों के मुताबिक खीरे का सेवन शुगर की रोकथाम में मदद करता है। दोस्तों, बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को आलू खाना बहुत पसंद होता है और यही कारण है कि यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी में से एक है। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा इसका छिलका उतारना पसंद नहीं करते और फिर इसका सेवन करते हैं। आलू का छिलका वास्तव में बहुत पौष्टिक और विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरा हुआ होता है। तो आप जो है मोस्टली जो आलू की सब्जी अगर अब से आप बनाएं तो जो उसका छिलका है उसको छीलने से आप उसको अवॉइड करें। आप जो है आलू छिलके के साथ ही इसकी सब्जी बनाएं और इसको खाएं, काफी आपको इसके पोषक तत्व मिलेंगे आपके शरीर में। दोस्तों, विटामिन A, B1, B2 और C से भरे हुए परवल सबसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है। इनमें बहुत कम कैलोरी होती है, इसलिए यह कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी नियंत्रित रखता है। दोस्तों, परवल के छिलके में मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस भी भरपूर मात्रा में होता है। तो आपको दोस्तों परवल के छिलके भी आपको नहीं छीलने चाहिए, आपको परवल को भी छिलके के साथ ही खाना चाहिए अगर आप सारे विटामिन अपने बॉडी में चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे 5 सब्जियां जिनके आपको छिलके नहीं छीलने चाहिए, आपको इनके छिलके छीलना अवॉइड करना चाहिए। हालांकि दोस्तों, जो आलू है, आलू की सब्जी मोस्टली जो लोग होते हैं वो छिलका छीलके ही बनाते हैं, बट कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं दोस्तों आलू में जो आप है उनके छिलके उतारे बिना भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि न्यू वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।